बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सेक्शन ए का मतलब होता है कि एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि पेपर में सेक्शन ए बी सी होता है, एमसीक्यूज, ओटी केसेस और सीआर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कि रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में है। परफॉर्मेंस का मतलब ये कि जो तो रेशियो या उससे लिंक चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिससे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज आईएएस 8, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग चेंज इन एस्टिमेट एरर। एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी तब चेंज होती है जब रूल चेंज हो किसी चीज का, किसी की मेजरमेंट चेंज हो, प्रिंसिपल चेंज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो, लॉ चेंज हो, तब पॉलिसी चेंज हो। यानी किसी किस्म की एस्टिमेशन और जजमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। एस्टिमेशन और जजमेंट है तो वो चेंज इन एस्टिमेट, जैसे चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फाइफो। अब ये देखो ना, मेजरमेंट बेस चेंज है कि पहले वेटेड एवरेज पे मेजर किया जाता था, अब फाइफो पे। तो मेजरमेंट बेस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, ठीक। फिर ये चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन से स्ट्रेट लाइन मेथड, ये चेंज इन एस्टीमेट होता है, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ यूज होता है जो जज करके हम मेथड लगाते हैं। अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट, जो पहले कॉस्ट पे था। देखो इनिशियली मेजर जब होता है तो हर चीज कॉस्ट पे होती है, जब सबसीक्वेंट पे डिसाइड किया जाता है रिवैल्यूएशन लगाना या कास्ट मॉडल लगाना। ये कास्ट कहा है, कास्ट मॉडल नहीं कहा। अगर यहाँ पे कास्ट मॉडल होता है ना, कास्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन पे गया फिर पॉलिसी चेंज था। ये ओरिजिनल कास्ट इनिशियल मेजरमेंट थे, उसके बाद उसने मॉडल अडॉप्ट किया, रिवैल्यूएशन कास्ट मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, तो ये पॉलिसी चेंज नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कास्ट विच हैव अराइजन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो चीज हो तो वो तो चेंज ही नहीं है ना। फिर फॉर एन एसेट टू बी क्लासिफाइड फॉर हेल्ड फॉर सेल, इट सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेल टू बी रिगार्डेड एज हाईली प्रोबेबल। हाईली प्रोबेबल सेल के लिए फाइव क्राइटेरिया होते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड हो, ये होता है, उसने नॉट पूछा है, ठीक। ए बायर मस्ट हैव बिन लोकेटेड इन, नहीं बेटा, बायर अगर मिल गया तो वो हेल्ड फॉर सेल नहीं, फिर तो सेल हो जाएगा ना। द एसेट मस्ट मार्केट रीजनेबल प्राइस, ये क्राइटेरिया में होता है प्रोबेबल के। सेल शुड बी एक्सपेक्टेड टेक विद इन 1 ईयर, ये भी होता है। इन तीनों के अलावा जो है ना चौथा होता है कि फेयर रीजनेबल प्राइस और प्रैक्टिकल एक्शन हो चुके हों और डिसीजन के रिवर्स होने के चांसेस ना हो। एट व्हाट अमाउंट शुड एन एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल बी मेजर्ड। क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल जब एसेट बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम मेजर होता होता है वो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट। हायर हायर तो नहीं, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, ये फर्स्ट इनिशियली मेजर होता है और उसके बाद सबसिक्वेंट वो होता ही फेयर वैल्यू पे। फिर विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें से कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है। एडजस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी प्रायर टू कंसोलिडेशन एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट। देखो सब्सिडियरी की पॉलिसी चेंज हो ना कंसोलिडेशन से पहले, उसको सेम करना पेरेंट के अकॉर्डिंग जरूरी है, लेकिन ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। अकाउंटिंग पॉलिसी तो एक ही कंपनी, जैसे सब्सिडियरी, सब्सिडियरी खुद पॉलिसी चेंज करती तब होता। ए चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एज कास्ट ऑफ सेल रेदर देन एडमिन, ये जो होता है ना सेलिंग कास्ट, एडमिन कास्ट और कास्ट ऑफ सेल, तो ये हेड अगर चेंज हो तो ये पॉलिसी चेंज होता है कि कोई चीज है, पहले आप सेलिंग कास्ट में कंसीडर कर रहे थे, अब एडमिन कास्ट में, तो ये पॉलिसी चेंज होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेदर स्टेट, स्टेट से रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग से स्टेट, ये एस्टीमेट चेंज है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कास्ट टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो कास्ट से एनआरवी कम हो जाए तो ये एस्टीमेट होता है, ये पॉलिसी चेंज नहीं होता, ये तो अकाउंटिंग रूल है।
विच ऑफ फॉलोइंग आइटम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें से कौन सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर ऑपरेटिंग इनकम, पहले अदर इनकम जीपी के बाद था अब रेवेन्यू, तो ये क्लासिफिकेशन जब चेंज होती है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। अभी पीछे भी बात हुई ना कि एडमिन कास्ट है वो कास्ट ऑफ सेल में लेके गया। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये पहले आप जो है वो जो है प्लांट परचेज करते थे, अब लीज पे लेना शुरू, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ पॉलिसी है, इसका अकाउंटिंग पॉलिसी से कोई तलक नहीं है। Changing the value of subsidiary inventory in line with the group policy for inventory valuation. Subsidiary की पॉलिसी है पेरेंट के मुताबिक चेंज करना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। हाँ सब्सिडी के अंदर ही चेंज होती तो फिर और बात थी। Revise the remaining useful life of a depreciable asset, life कम या ज्यादा estimate change है। फिर at what amount should the property be reported in statement of financial position? 30th सितंबर पीपी 45 का था, accumulated depreciation 6 की थी। On 1st अप्रैल 2014 यानी सितंबर के बाद 1st अप्रैल 6 मंथ जब गुजरे, decided to sell the property, decide किया बेचा नहीं है, जब decide करते हैं तो held for sale बनता होता। The property is being marketed by a property agent at a price of 42 which was considered reasonably achievable price. अच्छा पहले तो बात ये कि आपने जब decide कर दिया तो held for sale, held for sale क्या होता है कि carrying value, हमने उसे recognize करना होता lower of carrying value और fair value minus disposal cost, पीछे एक अभी बात हुई है। लेकिन 1st अप्रैल पे कैरिंग वैल्यू क्या थी, देखो 45 मिलियन उसकी टोटल वैल्यू थी ईयर एंड पे, पिछले साल के एंड पे। अब अप्रैल है, 6 महीने गुजर गए तो डेप्रिसिएशन मजीद बढ़ जाएगी। 45 जब थी तो 15 ईयर लाइफ थी तो हर साल 3 की डेप्रिसिएशन थी, 6 महीने गुजर गए 6/12 1.5 की डेप्रिसिएशन इस डेट तक और अक्यूमुलेट होगी तो ये 7.5, तो कैरिंग वैल्यू कितनी बनी इस डेट पे 37.5। प्रॉपर्टी मार्केट की जा रही है 42 की विच वाज कंसीडर्ड रीजनेबली अचीवेबल, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट हैव बीन एग्रीड 1 मिलियन, डिस्पोजल कॉस्ट लगेगी 1 मिलियन। रीसेंट मार्केट ट्रांजैक्शन सजेस्ट दैट actual selling price achieved for the property in the current market condition 10% less than the price at which they are marketed. Market kis pe ki ja rahi hai 42 pe na, wo kehte hai ye 10% less pe 4.2 less pe ye sale hogi, to 4 to estimated selling price kya hui fair value ke 42 mein se 10% लेस किया तो ये 37.8, उसमें से ये 1 मिलियन कास्ट लग जानी है तो 36.8, तो इन दोनों में से जो लोअर है, लोअर क्या 36.8, इस पे जो है एसेट हेल्ड फॉर सेल लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे कहते जी एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल be shown in financial statement, receivable किस amount पे show होंगे year end पे। अच्छा Steve Lichas company sold a machine to Greek company which agreed to invoice in euro, other than dollar कोई भी currency paper में हो तो वो foreign currency या IS-21। Sale was made on 1st October 2050, ठीक, और 125 was received on 1st November। 31st दिसंबर से पहले 1st नवंबर को 125 रिसीव हो गया, देखो ना 250 है तो 125 रिसीव हो गए यूरो, तो कितने यूरो रह गए 125,000 रिसीवेबल। द बैलेंस इज ड्यू ऑन 1st जनवरी यानी 7 को, 1st जनवरी 7 का मतलब इस साल के बाद अभी ड्यू, तो रिसीवेबल रीस्टेट हो जाते थे क्योंकि एसेट है ईयर एंड के रेट,
ईयर एंड पे रेट क्या है 0.85, तो 1 to 5,000 डिवाइडेड बाई 0.85, तो ये बन गया आपका 147,059 नियरेस्ट डॉलर के रिसीवेबल को। जब पहली मरतबा वो क्रिएट हुए थे ना 1 अक्टूबर को, तो उस वक्त उसने इनिशियल ट्रांजैक्शन डेट अक्टूबर की डेट पे जाना था ट्रांसलेट, यानी उसने इस रेट पे डिवाइड होना था 0.91 पे। जब ईयर एंड पे रिसीवेबल क्लियर ना होते, इन्हें मॉनिटरी एसेट कहते हैं, मॉनिटरी एसेट को ईयर एंड के रेट पे एडजस्ट कर देते हैं। क्या हम कहते हैं चेंज गेन और लॉस कैलकुलेट होगा अर्लियर ऑफ सेटलमेंट और अर्लियर ऑफ सेटलमेंट और रिपोर्टिंग डेट। तो 1 to 5 पहले दे दिया, इसका गेन और लॉस तो उस वक्त कैलकुलेट हो गया। 1 to 5 रहता है तो उसका गेन और लॉस ईयर एंड पे एडजस्ट होगा। फिर वो कहती है IS 21 set who entity that carry out transaction in foreign currency should measure the result of the transaction at the year end using the pick list provided select which exchange rate should non monetary item be carried at historical cost be measured। देखें जो नॉन मॉनिटरी, ये तो मॉनिटरी था ना, इसने ईयर एंड के रेट पे जाना। जो नॉन मॉनिटरी होते हैं वो कास्ट पे भी होते हैं, हिस्टोरिकल कास्ट पे या फेयर वैल्यू पे। हिस्टोरिकल कास्ट पे हो तो उस पर फर्दर चेंज नहीं होता, जो ट्रांजैक्शन डेट का रेट होता है उसी पे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। कास्ट मॉडल पे लिखने का फर्दर चेंज नहीं होता, रेट ऑफ यहाँ पे क्या आना है रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद फर्दर उसमें चेंज नहीं होता सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। फिर यहाँ पे Minston company buy, अच्छा ये पूछा net exchange gain or loss भी reported। Minston buy goods period 50,000 euro on 1st November, the invoice is due to settle in two equal installment। 1st December को एक पैसे हो जाएंगे, तो 31st December को year end हो रहा है, तो 1st December को आधे पैसे हो जाएंगे और दूसरी आधे half 1st January को होंगे year end के बाद। देखें 50,000 टोटल है, हाफ उसका ड्यूरिंग ईयर हो जाएगा, हाफ उसका बाद में होगा ईयर एंड के बाद। तो ये जो ड्यूरिंग ईयर है ठीक, अब देखें 25,000 जो ड्यूरिंग ईयर वाली सेटलमेंट है इसको सेपरेट देखेंगे और 25,000 जो ईयर एंड के बाद उसको सेपरेट देखेंगे। देखिए जब ट्रांजेक्शन हुई है वो 1 नवंबर की डेट थी, उस वक्त रेट था 1.63 और जब सेटलमेंट हुई है तो वो रेट था पेमेंट के टाइम 1 दिसंबर को 1.61। तो इसमें कितना हुआ 25,000 डिवाइडेड बाई 1.63, पहले ये पैसे बने 153,37.4 और जब सेटलमेंट हुई 25,000 की तो उस वक्त रेट क्या था 1.61 1552 7.95। तो कितना गेन और लॉस हुआ, और जो 25,000 रह गया जब ट्रांजैक्शन हुई तो 1.63 वही अमाउंट थी 1533 7.4, लेकिन ईयर एंड तक पैसे नहीं दिए तो ईयर एंड के रेट 1.64 है, तो 25,000 1.64 तो ये बन गया 152,439 माइनस 1533 7.4
तो ये हो गया जी 93.49। अब देखिए ये हमने बाय गुड्स की थी ऐसी है ना, तो हमने पहले ये पेमेंट करनी थी 153, बाद में ये करनी पड़ी, तो ये तो हमें क्या हो गया लॉस। ठीक, और यहाँ पे भी 153 करनी थी, ये रेंट पे 150 है, तो ये हो गया गेन 190 लॉस था, 93 गेन, गेन 190 लॉस, 93 गेन, तो ये तकरीबन जो है 190 माइनस 93, 97 का कोई नेट हमें क्या आ रहा है, ये लॉस आ रहा है, क्योंकि लॉस 190 है, उधर से गेन आ रहा है, हाफ अमाउंट की ट्रीटमेंट हो रहा है, हाफ की हो रहा है। ये इनिशियल पैसे जो है ना पेमेंट, वो तो ट्रांजैक्शन डेट की डेट, रेट के डेट पे होते हैं, ट्रांजैक्शन डेट फर्स्ट नवंबर, तो वो रेट पे हाफ हाफ, और बाद में सेटलमेंट पहले हो जाए ये रेंट से पहले तो वो रेट लगता है, अगर पेमेंट ना हो ये रेंट से पहले तो ये रेंट का रेट लगता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। फिर इसमें देखें डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पूछी है, डिल्यूटेड अर्निंग होती है कि अर्निंग ओवर जो नंबर ऑफ इशू शेयर होते हैं, वेटेड एवरेज प्लस पोटेंशियल शेयर के जो मजीद हो सकते हैं। बारवेल कंपनी है 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू, तो ऑर्डिनरी शेयर इन इशू कितने हैं जी, 10 मिलियन, और 1 जुलाई इट हैज इशू 2 मिलियन 6% कन्वर्टेबल लोन, ईच $5 ऑफ लोन स्टॉक कन्वर्ट इनटू 4 शेयर, 2 मिलियन के उन्होंने लोन स्टॉक दिए, ठीक, हर $5 जो है वो 4 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.6 मिलियन के फर्दर शेयर जो हो जाएंगे 1.6 मिलियन के, 10 मिलियन और 1.6 मिलियन, 11.6 मिलियन हो गया अगर मिलियन में देखें जो शेयर है, क्योंकि उसने कहा ना लोन स्टॉक कन्वर्ट किसमें होगा, एप ईच $5 ऑफ लोन स्टॉक कन्वर्ट इनटू 4 शेयर, 4 शेयर इन अगेंस्ट ऑफ $5, ठीक, ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अब होगा क्या कि इस साल का प्रॉफिट जो है 1.85 मिलियन है, ओके, लेकिन दूसरी तरफ आप कन्वर्टेबल को कंसीडर करना है, तो जब कन्वर्टेबल लोन स्टॉक शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कितना नहीं देने पड़ेगा, 2 मिलियन पे 6% इंटरेस्ट, 1 माइनस टी, ये टैक्स सेविंग के लिए होता है, नेट ऑफ टैक्स लेते होते हैं, तो ये कितना नहीं देना पड़ेगा, 2.042, टैक्स सेविंग हो जाएगी 0.084 मिलियन की, तो ये सिंपल सी बात है कि आप कर लें 1.85 मिलियन प्लस 0.084 मिलियन डिवाइडेड बाय 11.6 मिलियन, 1.167 बनता है डिल्यूटेड अर्निंग, कि जब कन्वर्टेबल लोन नोट पोटेंशियल शेयर होते हैं इसको अज्यूम करते हैं ये शेयर में कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं जितने होंगे, और ऊपर से क्योंकि कन्वर्टेबल जब शेयर में इंक्रीज हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट सेव होगा, लेकिन आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी कर वो अर्निंग को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं। फिर देखें ये कहते हैं जी इक्विटी शेयर 20 सेंट का एक था 50,000, शेयर प्रीमियम 50, कन्वर्ट हैज कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर फुली सब्सक्राइब राइट इशू ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 इन इशू 42 सेंट पे, दिस वॉज द ओनली शेयर इशू मेड ड्यूरिंग ईयर Using drag and drop show the balance on capital and premium. ये तो आसान बात है कि $50,000 का कैपिटल था, एक शेयर कितने का था, 0.2 का,
50,000.2, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 250,000 के कैपिटल को प्राइस पे डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर आते हैं। उसने राइट शेयर दिया, वन न्यू शेयर फॉर एवरी फोर, वन फॉर फोर, तो राइट शेयर उसने दिया 62,500 के। अब वो शेयर राइट शेयर उसने दिए 42 सेंट का ईच। देखिए कैपिटल में जाती है नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल है 20 सेंट, 0.2 कैपिटल में चला जाएगा, 0.22 क्योंकि टोटल 42 सेंट है ना, 0.2 अगर कैपिटल में तो 0.22 बचेगा, ये चला जाएगा प्रीमियम में, 0.2 12,500 और 62,500 का 0.22 13,750। ये F3 का क्वेश्चन है। कैपिटल में 12,500 का इंक्रीज हुआ और प्रीमियम 13,750 का, तो कैपिटल बन गया 62,500 का। ठीक, कैपिटल इसका बन गया और ये बन गया 28,750 का। यानी अब यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन गलत है, पहले भी एक क्वेश्चन गलत है। यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन शो द बैलेंस ऑन कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम कौन। तो कैपिटल में कैपिटल ऐड होगा तो कैपिटल इंक्रीज कर देगा, 50,000 से तो आंसर ज्यादा होना चाहिए ना, और इसने 50,000 से सारे आंसर कम दिए। ये अमाउंट बनेगी, ये कैपिटल में कैपिटल ऐड, प्रीमियम में प्रीमियम, राइट शेयर इशू करेंगे कैपिटल भी इंक्रीज करता प्रीमियम भी,